नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कदम आगे बढ़ा है इंडिया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। समय से चल रही चर्चाओं के बीच वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के भारत अब एक कदम और आगे बढ़ गया है। जी हाँ, दरअसल आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने एक रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। बताया जा रहा है कि 18,000 पन्नों की इस रिपोर्ट में उन तमाम बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है जिससे वन नेशन वन इलेक्शन की राह को एक कदम और आगे बढ़ाया जा सके। दरअसल आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की बात लगातार चलती आ रही है और इसको लेकर के सितंबर 2023 में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसका अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया था, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे सहित कई लोगों को शामिल किया गया था। उसके बाद से ही कमेटी लगातार तमाम बिंदुओं पर मंथन कर रही थी और किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को सार्थक किया जा सकता है उस पर रणनीति के बाद आज आखिरकार तकरीबन 18,000 पन्नों की इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया गया है। फिलहाल अब ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब इस रिपोर्ट का अध्ययन करेंगी, जिसके बाद देखना ये होगा कि किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2029 तक दिल्ली के सीएम के घर पर शरणार्थियों ने किया विरोध प्रदर्शन। क्यों किया विरोध प्रदर्शन, बता रहे हमारे संवाददाता सादिक खान। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन। आपको बता दें कि बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएए को लेकर एक बयान जारी किया था, जिसके विरोध में आज पाकिस्तान के शरणार्थियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा कि वे जनता को सीएए को लेकर सच बताएं। अरविंद केजरीवाल भ्रम फैला रहे हैं, जिसको लेकर आज बड़ी संख्या में पहुंचे पाकिस्तान के शरणार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल माफी मांगो के नारे के साथ साथ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सीएए के विरोध में अरविंद केजरीवाल ने एक बयान जारी किया था, जिसके बाद लगातार अब तेजी के साथ अरविंद केजरीवाल के बयान का विरोध हो रहा है। उसी को लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर जमकर प्रदर्शन किया गया। सादिक खान, इंडिया वॉयस, दिल्ली। लखनऊ में सीएम योगी ने किए नियुक्ति पत्र वितरित। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कृष्ण मिश्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी है। आपको बता दें कि मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने आवास पर 39 उप जिलाधिकारी और 41 पुलिस उपाध्यक्ष, साथ ही साथ 16 उप लेखा अधिकारी को नियुक्ति पत्र बांटा। वहीं पर उन्होंने जो है सारे जो अधिकारी हैं उनको संबोधित करते हुए कहा कि ये जो समय है, जो 30 से 35 साल का उनको समय मिलता है, जनता जनार्दन की सेवा करने का समय मिलता है। लगातार जो है उत्तर प्रदेश सरकार जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए तत्पर रहती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साथ ही साथ ये भी बताया कि लगभग उनके पिछले 7 साल के जो है कार्यकाल में लगभग 6.5 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिला है। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार उस पर सक्रिय है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, पेपर लीक मामले में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है उसमें जिन जिन जो है अधिकारियों का नाम आएगा, जो अधिकारी उसमें सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो अधिकारी आज नियुक्ति पत्र लेके जा रहे हैं, जिस जिले में उनकी तैनाती होगी, वो अधिकारी पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और साथ ही साथ जनता जनार्दन की सेवा करेंगे। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ कृष्णा मोहन मिश्रा, इंडिया वॉइस टीवी। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, लेकिन अभी तक पार्टियों ने अपने सभी पत्ते नहीं खोले हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। 2024 को लेकर अधिसूचना अभी भले नहीं लागू हुई है, लेकिन सियासी पार्टियों ने अपने दांव पेच लगाने शुरू कर दिए हैं। चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा या फिर अन्य दल, सभी अपनी रणनीति के तहत काम करने शुरू कर दिए हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची जारी करी और वहीं उसके बाद में भाजपा ने
51 प्रत्याशियों की सूची जारी करी। बाद में अखिलेश यादव ने फिर कुछ प्रत्याशियों की सूची जारी करी। अभी तक आपकी बात करें तो भाजपा 51 प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है, वहीं सपा अपने 31 प्रत्याशी की घोषणा कर चुकी है। साथ ही भाजपा के जो सहयोगी दल हैं आरएलडी ने भी अपने 2 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। और वहीं सुभाषपा की बात करें तो घोसी से अरविंद राजभर के नाम से भी घोषणा हो गई है। ऐसे में अब हाल ही 1-2 दिनों की बात करें तो मायावती ने भी अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। और लगभग भाजपा सुप्रीमो 16 साल पुराने फॉर्मूले पर लौटी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। मायावती का लोकसभा चुनाव को लेकर प्लान अब इंडिया गठबंधन के लिए टेंशन पैदा करने वाला है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जहां दलित और मुस्लिम को प्रत्याशी बनाया है, अब बसपा ने अयोध्या से सचिनानंद पांडे और उन्नाव से अशोक पांडे को चुनाव मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। आपको बता दें कि अभी तक लोकसभा चुनाव में बेट एंड वॉच की स्थिति चल रही थी। बीजेपी ने जहां 51 प्रत्याशियों की सूची जारी किया, वहीं समाजवादी पार्टी ने 37 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस के खाते में 17 सीटें आई हैं। फिलहाल कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के औपचारिक ऐलान नहीं किए हैं। वहीं अगर बात करें बसपा की तो बसपा अभी तक 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार चुकी है, जिसमें 4 मुस्लिम और साथ ही साथ 2 ब्राह्मण चेहरे सामने आए हैं। ऐसे में कुल मिलाकर 7 सीटों पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने प्रत्याशियों को उतार कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। बता दें कि बसपा ने जहां समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अवधेश पांडे के खिलाफ सचिनानंद पांडे को चुनाव मैदान में उतारा है, वहीं उन्नाव में अशोक पांडे चुनावी ताल ठोकेंगे। फिलहाल उन्नाव में साक्षी महाराज के सामने अशोक पांडे कितना टिक पाएंगे यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती की नज़र मुस्लिम और ब्राह्मण सीटों पर है, ऐसे में आगे क्या रणनीति होती है और इसका क्या फायदा मिलता है बसपा को, यह देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने किए प्रत्याशी घोषित। कितनी कितनी सीटों पर किए गए हैं नाम घोषित, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। चुनावी जंगल में बीजेपी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस अभी भी 3 प्रत्याशी घोषित कर पाई है। 2 सीट हरिद्वार और नैनीताल सीट पर अभी भी कांग्रेस पार्टी मंथन कर रही है। बीजेपी ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने के साथ साथ ये भी ऐलान कर दिया है कि पार्टी में सिर्फ जिताऊ कैंडिडेटों को ही यहाँ पर आगे लाने का काम किया जाता है, जो जनता की जो पसंद होते हैं। यही वजह रही कि बीजेपी ने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों पौड़ी गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत और हरिद्वार लोकसभा सीट से डॉक्टर निशंक का टिकट इस बार काटा है। उनके स्थान पर बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अलुन बलूनी पौड़ी गढ़वाल से इस बार पार्टी के प्रत्याशी होंगे और हरिद्वार सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पार्टी के नए प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे हैं। ये समझा जा सकता है कि इस चुनावी दंगल में लगातार बीजेपी आगे बढ़ने का काम कर रही है, अपनी रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रही है और लोगों को भरोसा दिलाने का काम कर रही है कि डबल इंजन की सरकार में विकास होता है और जनता को उस पर भरोसा करना चाहिए। जबकि विपक्षी पार्टी अभी भी आपसी गुटबाजी या जो प्रत्याशियों के जो मंथन चल रहा है उसी में उलझी नजर आ रही है। ऐसा समझा जा सकता है कि पार्टी के भीतर बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें अभी दूर करना बाकी है, लेकिन चुनावी रण में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है अन्य दलों की अपेक्षा। दिल्ली में किसानों ने महापंचायत का आह्वान किया, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। दिन से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर जहां तमाम बॉर्डरों को सीज किया गया है, टिगरी बॉर्डर हो या शंभू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, लगातार इन बॉर्डरों पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। जिस तरीके से किसानों ने आज जो है दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद बता दें कि 400 से ज़्यादा संगठन दिल्ली रामलीला मैदान में है, जिस तरीके से लगातार MSP गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बात की जा
साथ ही किसानों का, और बताया जा रहा है कि लगातार जो किसान है जो अलग अलग बॉर्डरों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोने से किसान पहुँच रहे हैं, लेकिन उसके बाद लगातार कुछ किसानों को जो है पुलिस के द्वारा रोका गया, लेकिन उसके बाद किसानों का कहना है कि MSP गारंटी कानून जो है बनाना चाहिए और उसको स्वामीनाथन जो कमेटी की मांग किसान कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद लगातार नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में भी तमाम किसान संगठन जो है दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें रोका गया था। लेकिन उस पर साफ तौर पर कहा गया राकेश टिकैत के द्वारा कि जो भी किसान को रोका जाता है वो किसान वहीं पर ही आंदोलन करना किया जाए करें, और साथ ही जिस तरीके से 400 किसान संगठनों का जो आज रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर जो अपनी मांग कर रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की जो कमेटी है उसको गठित किया जाए और MSP गारंटी कानून बनाया जाए। लेकिन उसके बाद लगातार किसानों का कहना है कि आखिरकार दिल्ली और वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि बिगड़ ट्रैक्टर और बिगड़ हथियार के किसान जो है रामलीला मैदान पहुँचे, उन्होंने भी अपनी शर्त रखी थी। लेकिन किसानों का इस तरीके कहना है कि आखिरकार जब तक किसान की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो किसान ये आंदोलन उससे बड़ा करने के लिए तैयार है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान आंदोलन दोबारा से शुरू कर दिया गया, लेकिन उससे पहले राकेश टिकैत ने कहा था कि आखिरकार जो किसानों को रोका जाता है तो किसानों को जो है पूरी तरीके से जहां पर भी किसान रोके जा रहे हैं वहीं किसान अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया जाए। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस दिल्ली। इरफान सोलंकी को अग्निकांड में फिर मिली तारीख, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैंक। मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई समेत 5 लोगों के मामले में आज MPMLA कोर्ट में फैसला नहीं सुनाया जा सका। कानूनी अड़चनों के चलते जहां महाराजगंज में जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर कोर्ट नहीं पेश किया गया, वहीं दूसरी तरफ 2 आरोपियों की जमानत का बेल्ट बार नहीं भरे जाने की वजह से मामले की सुनवाई टल गई। अब पूरे मामले की रायबरेली में नायब तहसीलदार के विरोध में अधिवक्ताओं का हल्ला बोल जारी है, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। एसोसिएशन सलोन के अधिवक्ताओं द्वारा नायब तहसीलदार का विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई है। बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के सलोन तहसील परिसर का बताया जा रहा है, जहां के बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं द्वारा वहां के नायब तहसीलदार का विरोध किया गया, और ये विरोध इसलिए किया गया था कि नवागंतुक SDM सलोन आए हुए हैं और उनके बीच में जो अधिवक्ता हैं उनके बीच में बैठक होनी थी, और ये लिखित रूप से कोर्ट में भी बताया गया था अधिवक्ताओं के द्वारा। लेकिन इसके बावजूद भी नायब तहसीलदार के द्वारा अचानक कोर्ट चलानी शुरू कर दी गई और पुकार करना शुरू कर दिया गया। इसी को लेकर अधिवक्ताओं में गुस्सा फूटा और उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी किया गया। नायब तहसीलदार परसदेपुर के खिलाफ के मुर्दाबाद नारे किए गए और जमकर तहसील परिसर में हंगामा काटा गया। बता दें कि इस हंगामे के बाद स्थानीय अधिवक्ताओं और उच्च अधिकारियों के बीच में कहीं ना कहीं रोष देखने को मिला और मौजूदा लखनऊ में विकास प्राधिकरण की अवैध निर्माण पर हो रही है कार्रवाई, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। राजधानी में लखनऊ विकास प्राधिकरण की लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ अवैध अतिक्रमणों पर बिल्डोजर चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अवैध अतिक्रमणों पर सीलिंग की कार्रवाई विकास प्राधिकरणों द्वारा की जा रही है। आपको बता दें थाना चौशान गोल्ड सिटी क्षेत्र के मुजफ्फरनगर लोधी मार्केट के निकट मेदांता हॉस्पिटल के पास बनी एक मल्टी लेवल बिल्डिंग, जिसका बताया जा रहा है बिना नक्शा और मानकों के विपरीत बनाई जा रही थी, जिसका प्राधिकरण न्यायालय में विवाद भी चल रहा था, जिसके वाद के बाद से वही विकास प्राधिकरण की तरफ से चीज की कार्रवाई की गई है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया। बरेली की सेंट्रल जेल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी। बरेली की सेंट्रल जेल से एक आरोपी है, हत्या घटना करने का आरोपी है, उसका एक वीडियो वायरल हुआ है, जिस वीडियो में वो कहता हुआ नज़र आ रहा है, एक वीडियो है जिसमें वो कहता हुआ नज़र आ रहा है कि उस पर बड़ों का आशीर्वाद है और वो बहुत जल्दी बाहर आएगा। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद में पुलिस प्रशासन पर हड़कंप मच गया। आपको बता दें सेंट्रल जेल का ये वीडियो बताया जा रहा है, जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद में पुलिस प्रशासन पर हड़कंप मच गया। SSP ने SP सिटी को उसकी जाँच करने के लिए भेजा। SP सिटी ने सेंट्रल जेल में जाके
आसिफ खान जो वो है आरोपी है, जो हत्या का आरोपी है, उसके पास पे जांच करी, लेकिन उसके पास पे कुछ मोबाइल या और सामग्री नहीं मिली। आपको बता दें 2019 में ये एक व्यापारी को इसने ठेकेदार जो है उसकी हत्या करी थी, उसने शूट करा था शाहजहाँपुर में शूट करा था, जिसके बाद में शाहजहाँपुर की जेल से वो सेंट्रल जेल बरेली में इस समय जो कैद है, जिसके बाद में ये जो वीडियो वायरल हुआ, ये तरह तरह के लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिसके बाद में जो जेल के जेलर है उनका एक बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि ये जेल के अंदर कभी किसी के लिए मोबाइल नहीं मिल सकता। ये जो पेशी पे गया था अभी 7 मार्च को, जो पेशी पे शाहजहाँपुर गया था, किसी करीबी ने अपना मोबाइल दिया होगा, जिसके बाद में मोबाइल लेके उनने सोशल मीडिया पे अपना वीडियो वायरल कराया, जिसको वो तरह तरह की बातें कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन में इस समय हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जो हत्या का आरोपी है वो लंबी जेल में जो बंद है, उसके वीडियो एक वायरल हुआ है और जो सोशल मीडिया पे सीधे कह रहा है कि बहुत जल्द वो बाहर आएगा, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा है, पुलिस जांच में जुटी है। इंडिया वॉइस के लिए सनी गोस्वामी। हरदोई में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। हरदोई में रिश्ते कलंकित करने वाला एक मामला आया। आपको बता दें कि छोटे भाई ने बड़े भाई को ही मार मार के और लाठी डंडों से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई है। हालांकि आपको बता दें कि पूरा मामला हरदोई के माधवगंज थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर एक छोटे से विवाद में कहासुनी हुई, वो विवाद बढ़कर एक दूसरे की जान लेने को तैयार हुआ है। हालांकि वे छोटे भाई ने बड़े भाई की जान ले ही ली। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची थी और पूरी जांच पड़ताल की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जब इसकी सूचना वहां स्थानीय पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के चंद्र गोस्वामी को दी, तो वो भी मौके पर पहुंचे हैं और एडिशनल एसपी नरपेन कुमार भी वहां मौके पर पहुंचे, घटना का जायजा लिया है। उसके बाद में जो उसकी माँ की जो मृतक है लड़का, उसकी माँ की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, भाई की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। गाजियाबाद से एक मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। गाजियाबाद के कवि नगर थाना क्षेत्र के महिंद्रा इंकलैब में आज उस समय सनसनी मच गई जब पुलिस को सूचना मिली कि महिंद्रा इंकलैब के फ्लैट में एक पति और पति ने अपनी पत्नी और अपने बेटे की हत्या करने के बाद खुद ने सुसाइड कर ली। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने देखा कि पत्नी और एक उसके बेटे का शव कमरे में पड़ा हुआ है और उसी के पास उनके पति, जिसका नाम अमरदीप शर्मा बताया जा रहा है, और पुलिस ने उसको अमरदीप को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने जब उसके उपचार के दौरान उससे पूछा तो उसकी जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें सुसाइड नोट में उसने ये लिखा है कि मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे की हत्या करके खुद आत्महत्या कर रहा हूं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है कि हत्या करने का क्या कारण था व्यापारी का, वो जांच के बाद ही पता लगेगा कि व्यापारी ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या क्यों है। फिलहाल इस पुलिस ने इस पूरे मामले में छानबीन कर दी है और साक्ष्य जुटाले हैं और फोरेंसिक टीम के आधार पर पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या सामने निकल कर आता है कि पति ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या क्यों की है। गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस के लिए। तो गाजियाबाद का ये पूरा मामला था जिसमें पति ने अपने पत्नी और अपने बेटे की हत्या कर दी। चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। रायबरेली जिले के सरेनी थाना क्षेत्र का है, जहाँ कंपोजिट विद्यालय महेश खेड़ा का है, जहाँ पर बाउंड्री वाल के निर्माण के दौरान कुछ दबंगों द्वारा एक शिक्षक पर हमलावर होते हुए धारदार हथियार व लाठी डंडों से हमला करने का प्रयास किया गया, लेकिन गनीमत रही कि स्थानीय लोगों के द्वारा बीच बचाव करने का प्रयास करते हुए वहां से किया गया और जिससे उसकी किसी तरह से जान बच पाई। कंपोजिट विद्यालय महेश खेड़ा में दीवार का निर्माण कराया जा रहा था, जिसके दौरान ही कब्जेदारी को लेकर पड़ोस का ही रहने वाला एक युवक और उसके घर की 3 महिलाओं समेत हावी हो गए और धारदार हथियार से लैस होकर लाठी डंडों से वो उसके ऊपर धावा बोल दिए, लेकिन गनीमत रही कि स्थानीय लोगों के द्वारा बीच बचाव करने का प्रयास किया गया और किसी तरह से शिक्षक भागकर अपनी जान बचाया। शिक्षक के द्वारा लिखित तहरीर जो है स्थानीय कोतवाली में दी गई, तो पुलिस के द्वारा जांच करने के बाद पूरे मामले में 3 महिलाओं समेत एक युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साफ तौर पर थाना प्रभारी का कहना है कि अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और युवक और जो 3 महिलाएं उनके गिरफ्तारी करने का प्रयास भी किया जा रहा है।
फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।